मथुरा के गोवर्धन में अश्लील मैसेज भेजने को लेकर दो पक्षों में जमकर झगड़ा, मारपीट व फायरिंग भी हुई। गोली लगने से दो युवतियां समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोवर्धन के राधाकुंड चौकी क्षेत्र स्थित गांव नगला कासौटिया के रहने वाले दो पक्षों में मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने पर रामनगर में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में आपस में गोलियां चलने लगी। वहीं एक बाइक सवार युवक ने बाइक पर सवार होकर दूसरे पक्ष पर गोलियां चलाई। गोली चलने से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। गोलियां नगला पंजाबी के राहगीर युवतियों के जा लगी और वह युवतियां बुरी तरह घायल हो गईं। इस फायरिंग में दो युवतियों समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सुल्तान नामक युवक पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं मौजूद लोगों द्वारा बताया गया कि मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने पर झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान लाठी डंडे और फायरिंग भी हुई। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। सुल्तान नामक युवक पर गोली चलाने की बात कही जा रही है। घटना राधाकुंड के नगला कासौटिया रामनगर की है। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। घटना सब घर पे आके मारे हैं इन लोगों ने। सुरेंद्र सनो बाबू और प्रेम सिंह सनो बाबू वो तुलाराम और यतेंद्र सनो मोहन सिंह और मोहन सिंह सनो तुलाराम। अच्छा, इस घटना की सूचना आपने पुलिस को दे दी? हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ घटना थी? क्या घटना थी? घटना कुछ ना थी, घर पे बैठे हंगा मगर जमंगामे छह आज चौथा में मारे हैं। मेरा नाम राम अंसर। क्या के रहने वाले हैं आप? नगला रामनगर। ये इतना बड़ा बवाल हुआ है, क्या कुछ हुआ, क्या घटना घटी, क्या हुआ? गोली भी चली है, फरसे भी चले। पता मतलब हम तो खेत पे सवेरे काम कर रहे हैं, चरी फरी काट रहे हैं यार, और ये बालक घर आए के पीटे हैं हमारे भैरवानी, मतलब सब पीटे हैं। किन लोगों के द्वारा? कौन लोग थे? ये सुरेंद्र है, सुरेंद्र सिंह और साहब मतलब। अच्छा, किस बात झगड़ा, किस बात को लेके हुआ था झगड़े की? हमें मालूम है ना, हमारे तो घर पे चढ़ाई करी है, हमें ना मालूम काई बात करने झगड़ा करे हो तो ऐसी।